नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर से मैं आपका दोस्त शैलेश, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय टेरेस गार्डन में। आज मैं आपका परिचय करा रहा हूँ अश्वगंधा के पौधे से। ये देखिए कितना छोटा पौधा है ये गमले में, और इसमें कितने अच्छे फूल हो रहे हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही साथ फूलों के साथ साथ इसमें सीड्स भी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए आप, हरे हरे सीड्स। और यहाँ आप देखिए मेरा प्रिय साथी, हमारा राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड पिकॉक, मोर। तो दोस्तों, ये है अश्वगंधा का पौधा। आसानी से ये उपलब्ध रहता है, रोड साइड में आप कहीं भी देखेंगे ये पौधा मिल जाएगा। उसका एक बीज लेके आप घर आइए, उसको लगा दीजिए और उससे ढेर सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। बस आवश्यकता है इसको पहचानने की। मैंने एक वीडियो पहले भी शेयर किया था, उसमें इसके फ़ायदों के बारे में बताया था कि अश्वगंधा कितना गुणकारी पौधा है, इसकी जड़ें कितनी गुणकारी हैं। और उस समय उसमें बीज जो लगे हुए थे वो लाल लाल बीज लगे हुए थे, छोटे छोटे टमाटर जैसे साइज़ में, बिल्कुल छोटे शेप में टमाटर जैसे, रंग रूप में टमाटर जैसे। तो वो पक गए थे। अभी आप देखिए ये हरे हैं, ये अभी इसमें जहाँ फ्लावरिंग हो रही है, फूल भरे हुए हैं, वहीं पर इसमें बीज भी तैयार होते जा रहे हैं साथ की साथ। ये देखिए आप, छोटे छोटे बीज इसमें आपको मिलेंगे, ये लगे हुए हैं। और जितने बीज लगे हुए हैं उतने फूल भी लगे हुए हैं साथ साथ। ये देखिए अब आपको ये नज़र आ रहे होंगे सीड्स और फूल सब बराबर। तो इस तरह से आप इस अश्वगंधा के पौधे को अपने घर पर लगा के रखिए और घर पर ही इससे लाभान्वित होइए। कितने सुंदर इसके फूल, कितने सुंदर इसके बीज, ये देखिए आप। ये छोटे से गमले में लगे हुए हैं इतने सारे फूल, छोटे से प्लांट में। इस गमले को मैं अपनी रूफ टॉप पे मैं सबसे ऊपर लेके आ गया, क्योंकि यहाँ ये इस मयूरा को मेरे को दाना भी डालना था। तो मैंने सोचा आपको अश्वगंधा के छोटे से प्लांट के बारे में थोड़ा सी जानकारी दी जाए, साथ ही हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसको हमें बचाना है, इसकी हमें रक्षा करनी है। जहाँ प्लांट्स हमें बनाने हैं, तैयार करने हैं, बचाने हैं, उगाने हैं, वहीं हमें पशु पक्षियों को भी बचाना है। तो आप देखिए कितना सुंदर, शाम का समय हो चुका है, सनसेट होने वाला है, और ये अब यहाँ से दाना खा के रवाना हो जाएगा। तो दोस्तों, कितना सुंदर ये प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू इस प्लांट की उतना ही ये अभी सुंदर भी लग रहा है। इसमें आप फूल देखिए, इसमें
फूल और फल बीज जो तैयार हो रहे हैं एक छोटे से पॉट में, कितने अच्छी तरह से ये ग्रो हुआ है अश्वगंधा का पौधा। सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टर है ये। लिमिट में इसका आप प्रयोग करिए, इसकी जड़ों का उपयोग करिए, इसके पत्तों का आप जूस बना के पीजिए, इतना उपयोगी ये प्लांट है। मार्केट में तो आसानी से ये इसका पाउडर उपलब्ध रहता ही है, लेकिन आप इसको घर पे लगाइए, अपने घर को महकाइए, और साथ ही साथ जब इसके पत्तों का यूज़ करना है इनका रस निकाल के जूस बना के, तो आप हाथ के ताज़े पत्तों का रस भी निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसने दाना खाया और अब यहाँ से ये थोड़ी देर में रवाना हो जाएगा। और जो ये पेड़ देख रहे हैं आप मेरे घर के पास, इन पेड़ों पे ही ये जाके बैठ जाएगा। थोड़ा सा इसका व्यू आपको दिखाऊं नज़दीक से, क्योंकि सनसेट के समय इस पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे इसके पंख थोड़े से चमक रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर पक्षी है ये। चलिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे प्लांट के साथ, पेड़ पौधों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आपने जो समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।